अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर शेख, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हमें स्कूल की तरह, जैसे स्कूल में कैसा होता है कि एक हिंदी का पीरियड, एक लैंग्वेज का पीरियड, तो अगर हमें इल्मे दीन को ऐसा सीखना है तो उसके क्या पार्ट्स पढ़ेंगे? जैसे एक कुरान का पार्ट, एक हदीस का पार्ट, तो ऐसे कितने उसके पार्ट पढ़ेंगे? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं महाराष्ट्र से यम के बोगा हूँ। ये हमारे एक भाई साहब हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि जैसे ये दूसरा कोई दुनियावी इल्म सीखना चाहते हैं तो कहते हैं उसमें हिंदी पढ़ना पड़ता है, फलां पढ़ना पड़ता है, ये सब्जेक्ट अलग अलग ये बता रहे हैं कि ये पढ़ना पड़ता है। तो ये शायद ये पूछना चाहते हैं कि दीनी तालीम हासिल करना हो तो क्या क्या पढ़ना पड़ता है। भाई, दीनी तालीम हासिल करना है, अगर उसमें महारत हासिल करना है तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। अरबी ज़बान पढ़ना पड़ता है, उसूल तफसीर पढ़ना पड़ता है, उसूल हदीस पढ़ना पड़ता है, उसूल फिक्र पढ़ना पड़ता है। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो आलिम का, फाजिल का, आलमियत का, फजलियत का कोर्स करते हैं, बल्कि अलग अलग कोर्स है, बहुत आगे तक मरहला, बल्कि आजकल तो PhD भी हो रही है दीनी उलूम में। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बाकायदा जाके किसी दीनी दरसगाह में शिरकत कीजिए, वहाँ पे जाके एडमिशन लीजिए, वहाँ पढ़िए। तो बहुत कुछ है, सिर्फ एक दो सब्जेक्ट नहीं कि कोई कुरान का सब्जेक्ट होगा, कोई हदीस का सब्जेक्ट होगा, हो गया, नहीं, बल्कि अरबी ज़ुबान के ताल्लुक से भी कई किताबें होती हैं। सबसे पहले तो अरबी ज़ुबान मजबूत कराई जाती है, अरबी ज़ुबान के साथ साथ कुरान से मुतलिक बहुत सारी किताबें हैं, हदीस से मुतलिक बहुत सारी किताबें हैं, फिक्र की किताबें होती हैं, तारीख की किताबें होती हैं, तफसीर की किताबें, बहुत सारी किताब, बहुत सारे मादे, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपको मुकम्मल जानकारी हासिल करना है तो किसी इदारे का रुख कीजिए, वहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं और वहाँ पर जुड़ के इल्म हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं कि घर बैठे दो तीन सब्जेक्ट आदमी पढ़ लिया और हो गया आलिम। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि हम मदरसे में बैठ के किसी डॉक्टर से पूछें कि भाई जैसे हम उसूल फिक्र पढ़ते हैं, उसूल हदीस पढ़ते हैं, तो आप ऐसे दो तीन मेडिकल की किताबें बता दीजिए, हम भी पढ़ लेते हैं, डॉक्टर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता, जिस तरह हम मदरसे में बैठ के डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, ऐसे ही कोई कॉलेज में बैठ के जो है आलिम फाजिल नहीं बन सकता है। दोनों अलग अलग फ़न है और दोनों में से किसी भी फ़न में आपको महारत चाहिए तो जहाँ वो फ़न सिखाया जाता है वहाँ जाना पड़ेगा, उसी तरीके पर उसको सीखना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, iPlus TV को जरूर डोनेट करें।